लोगों की आवाज़ों को पहुंचाने की कोशिश करती है। मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही थी, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर जानबूझकर चर्चा नहीं हो रही थी और उनकी हम विपक्ष में हैं। हमने वहाँ पर पूरे वक्त जब प्रधानमंत्री बोले तो प्रदर्शन नहीं किया और अब जब सदन शुरू होगा, इस सत्र में ना तो क्वेश्चन आर था ना जीरो आर था, लेकिन अब जब सदन शुरू होगा तो क्वेश्चन आर का भी मौका मिलेगा और जीरो आर का भी, उसमें ये सारी चर्चाएं होंगी और आवाज मजबूत। मैडम, जिस तरीके से पार्टी उत्तर प्रदेश में जाती है रंग देने की कोशिश कर रही है, हमने ऐसा कोई भी एसओपी जारी नहीं किया। ये सीएमओ से ये इंस्ट्रक्शन आए हैं और जो प्रशासनिक ऑर्डर है जिले में कि हमारा जिला भी मिल पर लगता है, तो उन्हें भी जानकारी है कि ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है। इससे किसकी मदद होगी, क्या ये वजह है, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और इसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि इसमें हमारा कोई रोल है, ये ऑर्डर ही सीएमओ की तरफ से आया है जिसमें समाजवादी पार्टी का क्या है। मैडम, जिस तरह से धार्मिक प्रदेश में मैडम उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से उतारा जाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ उनमें जम रही नहीं है, अनेक दिल्ली वालियों ने क्या उनको बदला जाएगा। देखिए, अभी बहुत सी चीजें में उथल पुथल चल रही है और हमें लगता है कि भाजपा जिस तरीके से हारी है उत्तर प्रदेश में, उसी की बौखलाहट के तहत वो कोई ना कोई कदम उठाने वाले हैं। और मैंने बहुत पहले भी कहा था कि लखनऊ और दिल्ली को आपस में एक दूसरे की राजनीति रास नहीं आ रही और उसी के लिए रंग देखने को मिल जाए, वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसी सुखुगाहट है, लेकिन क्या है उसकी क्लैरिटी। मैडम मैडम जिस तरह से क्या रहा है आप सबसे घबराए मत, ना प्रदेश उत्तर प्रदेश में का फरमान चलेगा, ना देश का फरमान चलेगा। आप फरमान कुछ दिन में देखेंगे ये गठबंधन का चलने वाला। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग की घटना बढ़ती जा रही है, देश में भी बढ़ते हैं, कहने के इस पर रोक लगने की जरूरत है। जब हम जात और धर्म की बात करेंगे, हम समाज जात से दूर होके जनता के लिए घटनाएं होती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्व योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कोई भी एसओपी जारी नहीं किया है। समाजवादी पार्टी जो है सांप्रदायिक दंगा देना चाहती है, सांप्रदायिक इसको रंग देना चाहती है। हम लोग जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ, समाजवादी पार्टी हर जाति हर वर्ग हर धर्म हर मजहब की पार्टी है। हम हिन्दुस्तान जो है हमारा हिन्दुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल खिलते हैं। हमारा हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहाँ सारी ऋतुएं हैं, ऐसा हमारा हिंदुस्तान है। इसकी मट्टी में जो सुगंध है वो भारत के बाद अलावा किसी और देश की मट्टी में वो सुगंध नहीं है। हम भारत के लोग हैं, भारत से प्यार करते हैं। आजादी से पहले उन लोगों को भी देख लीजिए जो भारत की आवाज आजादी के लिए एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, हुकूमत करने के लिए नहीं, अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण हत्या होती दिया है। उसमें हिंदू की हिस्सेदारी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है। इसमें आपको कहना चाहता हूँ, यह देश जो है समाजवादियों का देश है और आप संविधान की पानी पत्र। उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री बदला जाएगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री जो है मोदी बदले क्या ना बदले, 2027 के चुनाव उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश जनता है उसको बदलने का काम कर रही है।